हेलो गाइस, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। और मेरे पास एक बड़ी न्यूज आ चुकी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस का जो शो है वो 100 दिन का होता है, और ये जो बिग बॉस का सीजन 13 है ये जनवरी के स्टार्ट में वहां पे एंड होने वाला था। लेकिन एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, और ये खबर मतलब ये जो बिग बॉस का शो है ये 4 वीक तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये अब शो खत्म होगा फरवरी के मिड में, यानी मिड फेब में वहां पे ये जो शो है ये खत्म कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे मैंने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया कि क्या सोच हो सकती है मेकर्स की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो 4 वीक वाला फिनाले फर्स्ट किया था वो तो ऐसे ही किया, मतलब वहां पर उसके पहले जो कंटेस्टेंट थे उनका तो उसमें जो थोड़े कंटेस्टेंट बचे थे, और उसके बाद में बहुत सारी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज घर में एंटर कर दी। अब देखा जाए तो इस बिग बॉस की आज तक की हिस्ट्री ये है कि कोई भी वाइल्ड कार्ड वहां पर जीता नहीं है। और अगर इस बार किसी वाइल्ड कार्ड को बहुत ज्यादा वोट्स मिलते हैं, यानी कि अभी रश्मि देसाई भी अगर देखा जाए तो रश्मि और देवोलीना घर से बेघर होके वापस घर में आ चुके हैं, तो ये भी अगर जीतती है या कोई वाइल्ड कार्ड जीतता है तो वहां पर बिग बॉस का एक रूल होता है कि जो कंटेस्टेंट जीता है उसने एटलीस्ट 100 डेज वहां पर काटने होते हैं। तो वहां पर जो अभी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आ गई है उनके 100 डेज कंप्लीट करने के लिए बिग बॉस ने ये एक्सटेंशन किया होगा, ऐसा मेरा एक खुद का थॉट है। आपको क्या लगता है इस बार इस सारी चीज पर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा एक थॉट होगा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से वहां पर एक्सटेंशन दिया है, और हो सकता है कि कोई वाइल्ड कार्ड भी ये जो शो है ये शो जीते। तो इस पर कोई बड़ी खबर आने के बाद मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही कंफर्म न्यूज है कि बिग बॉस एक्सटेंड हो चुका है 4 वीक तक। 4 वीक तक आगे और बढ़ेगा, यानी जो फिनाले होगा जनवरी में होने वाला था वो फिनाले होगा फेब में। तो आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए विनर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई बड़ी न्यूज आने के बाद मैं सबसे पहले आपके पास पहुंचाऊंगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे भैया देखो, अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मेरा नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल पर आ जाएगा ना, तो आसानी तो हो जाएगी देखने के लिए। तो सब्सक्राइब करो यार, अरे आपकी मराठी बोला यार, सब्सक्राइब करा अपने चैनल ला। तो देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।